गाइज आज हम बनाने जा रहे हैं पत्ता गोभी। इसे हमने कट कर लिया था, इसके अंदर हमने थोड़े आलू भी काटे हैं। हमने कुछ खड़े मसाले लिए जिसके अंदर गरम मसाला है, जीरा है, राई है और सौंफ है और मिर्ची है और थोड़ा सा बेसन है। हमने 1.5 चम्मच के करीब इसमें तेल डाला है। हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे अब हमारे खड़े मसाले। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे हींग, फिर हमारे सब खड़े मसाले ऐड करेंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पत्ता गोभी। इसे अच्छे से हिला के इसको 2 मिनट के लिए हम ऐसे छोड़ेंगे, बाद में बाकी मसाले ऐड करेंगे इसके अंदर। अब इसमें हम बेसन ऐड करेंगे, पूरा एक साथ हमको ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करना है जिससे कि बेसन की कोटिंग पूरे सब्जी के अंदर हमारे आ जाए। हमने करीब 1.5 टेबल स्पून इसमें बेसन ऐड कर दिया। अब इसको हम हिला रहे हैं, फिर थोड़ा सा और ऐड करेंगे, नहीं तो क्या हमारा बेसन पूरी तरह से पूरी सब्जी में नहीं मिल पाएगा। हमने हमारा पूरा बेसन डाल दिया इसके अंदर, अब इसको अच्छे से हमको हिलाना है। देखिए आप देख सकते हैं इसमें हल्की सी कोटिंग पूरी सब्जी के ऊपर बेसन की हो चुकी है, जिससे इसका क्या टेक्सचर काफ़ी अच्छा आता है। अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे जिससे कि हमारी सब्जी वगैरह जल्दी थोड़ी गल जाए, इससे जल्दी बन जाएगी, और साथ में हल्दी भी ऐड करेंगे और इसे हिला के ढक के पकने के लिए थोड़ा छोड़ेंगे। हमने इसे ढक के 3 मिनट पका लिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर और इसे फिर से ढक के थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। हमने इसे 4 मिनट ढक के पका लिया, उसके बाद हम टमाटर को संभाल लिया। हम टमाटर थोड़ा लेट पकते हैं इसलिए हम इसको थोड़ा सा दबाएंगे। इसके अंदर अब हम मिर्ची ऐड करेंगे 1 चम्मच नहीं आधी। इसके अंदर हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1/2 चम्मच और साथ ही जीरा पाउडर भी ऐड करेंगे इसके अंदर। इन सबको हिलाना है और इसे फिर से पकने के लिए छोड़ना, क्योंकि हमारे आलू थोड़े सा टाइम लेंगे पकने में। हमने हमारी सब्जी को 5 मिनट ढक के पकाया है, इसके बाद हम सब्जी संभाल रहे हैं। हमारी पत्ता गोभी एकदम पक चुकी है, आलू में हल्की सी कसर है इसलिए हम इसको 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। हमारी सब्जी बन के एकदम तैयार हो चुकी है, देखिए इसका लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप घर पर बनाएंगे तो आपको काफ़ी पसंद आएगी, आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और साथ ही मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।